हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप घर पे व्हाइट सॉस पास्ता कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह बहुत ही इजी मेथड है, घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप इसको बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि हमें किसी भी कंपनी की क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो व्हाइट सॉस है वह घर पर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले एक प्लेट के अंदर ऐसे पास्ता ले लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पाइप वाला पास्ता, जिसको पेने पास्ता भी कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। पर जैसा आपको पता, अभी बाहर लॉकडाउन चल रहा है तो वो अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मैं कोई मेरे तो मैंने फिलहाल ये लिया है। तो चलिए हम अभी अपने गैस के पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम व्हाइट सॉस पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक ऐसी पतीली ली है। अभी हम इसके नीचे गैस जला देते हैं। फ्रेंड्स, हमने गैस जला लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, नॉर्मल नमक है वाइट वाला। और फ्रेंड्स, आधा छोटा चम्मच हम ले लेंगे रिफाइंड ऑयल। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको पास्ता को बॉईल करते वक्त नमक डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस वक्त इसके अंदर नमक नहीं डालेंगे तो आपके पास्ते का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। जो पास्ता होता है वो फीका फीका होता है काफ़ी, तो इस स्टेज में जो हमारा नमक है वो उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और फ्रेंड्स, रिफाइंड ऑयल भी ज़्यादा नहीं डालना आपको, नहीं तो जो आपका पास्ता है वो काफ़ी, उसके ऊपर तेल की लेयर हो जाएगी, जिससे कि उसके ऊपर हमारा सॉस अच्छे से चिपकेगा नहीं। इसको एक अच्छे से बॉईल आने देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पानी जो है वो अच्छे से उबल चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना पास्ता जो हमने निकाल के रखा हुआ था। फ्रेंड्स, इसको हम कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आपको इसको सिर्फ 80% तक कुक करना है, जिसको इंग्लिश में अल दांते भी कहते हैं। इससे जो है इसमें थोड़ी सी कसर रह जानी चाहिए उसको कुक होने में, क्योंकि जब हम इसको सॉस के साथ भी कुक करेंगे तब भी इसको थोड़ा हार्ड रहना चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा आपको कैसे रखना है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर उबलने देते हैं, सॉफ्ट होने देते जितना हम करना है अल दांते। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पास्ता है वो अल दांते कुक हो चुका है, यानी 80% तक कुक हो चुका है। मैं आपको काट कर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इजीली कट रहा है, पर अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। तो हम अपने पास्ते की जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पास्ते की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर के अंदर छान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने अपने वाइट सॉस पास्ता को स्ट्रेन कर लिया अच्छे से। और जब आप उसको स्ट्रेन करते हो उस वक्त आपको उसके ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डाल देना है, ताकि उसकी लेफ्ट ओवर कुकिंग ना हो। तो फ्रेंड्स, एक हम ऐसा पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। और इसके लिए हमने कुछ बारीक बारीक सब्जियाँ काट ली हैं, जिसमें प्याज है, शिमला मिर्च है, मटर है। फ्रेंड्स, अब अपनी गैस की फ्लेम मीडियम कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन की 3 कलियां। इसको ज़रा सा देर फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी वक्त हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मैंने आधा छोटा चम्मच डाला है। इसको अच्छे से हिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर अपनी हम सारी सब्जियां डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सब्जियों को भी ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसको थोड़ा क्रिस्पीनेस होनी चाहिए इसके अंदर,
क्योंकि व्हाइट सॉस पास्ता के साथ में हम इसको कुक करेंगे, तो हम इसे बस 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम इसको ढक के रखते हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो को पॉज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने सब्जी को भी 80% कुक कर लिया है। हम इसके अंदर आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेते हैं। मैं बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी, क्योंकि बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स अब इसको साइड में रख देते हैं और अपने पास्ता के लिए व्हाइट सॉस बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स व्हाइट सॉस बनाने के लिए हम ऐसे एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच मक्खन, जो मेरे घर में बना हुआ मक्खन है। आप चाहे तो मार्केट से सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं, ये मक्खन तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच लिए हैं मक्खन के। इसको थोड़ा सा पिघलने देते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो मक्खन है वो मेल्ट हो चुका है, हम इसमें अपनी गैस को सिम कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 चम्मच मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर बोलते हैं इसको। इसको अच्छे से मिला लेते हैं धीरे धीरे। फ्रेंड्स ये ऐसा हो जाएगा और आपको इसको 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। आपको मैदे के पकने की एकदम खुशबू आ जाएगी। 2 से 3 मिनट तक कुक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको कुक करते हुए। अब हम इसके अंदर धीरे धीरे दूध डालना शुरू करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे साथ साथ में। आप अपनी गैस की फ्लेम लो रखनी है ताकि आपका मैदा जो है नीचे से जले ना। इसके अंदर धीरे धीरे दूध डालते रहते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल भी बीच में लम्स नहीं होने चाहिए, ये तो आपका व्हाइट सॉस पास्ता अच्छा नहीं बनेगा। कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। तो फ्रेंड्स मेरा कितना दूध यूज हुआ है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि कभी भी जो क्वांटिटी है वो इसमें मैच नहीं हो पाती दूध की, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब हमारा व्हाइट सॉस बन जाएगा। धीरे धीरे दूध डालते रहना इसके अंदर। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वीडियो पॉज करते थे। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये सॉस है एकदम थिक बन चुका है। हम इसको बिल्कुल ऐसे रखते हैं, मैं आपको एक बार क्लोजअप से दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, इजीली पोर हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम एक उबाल आने देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया। तो अब हमें पता कैसे चले कि हमारा कब सही टाइम है पास्ता को इसके अंदर डालने का। तो आप एक ऐसा कोई भी स्पून ले लीजिए, इसको इसके अंदर आप हल्के से ऐसे करिए और ये देखिए इसके पीछे एक लेयर बन रही है इसके अच्छे से। तो इसके अंदर यही सही टाइम है हमारा पास्ता को डालने का। मैं सबसे पहले हम अपनी सब्जियां डाल लेंगे इसके अंदर, हमने पहले कुक करी थी।
इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। फ्रेंड्स और इसके अंदर अपना पास्ता डाल देंगे। इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देना है ताकि इसके ऊपर सॉस की लेयर बन जाए। तो मिक्स कर लेते हैं जल्दी से। फ्रेंड्स इसके साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको 2 मिनट तक और पकने देते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। फ्रेंड्स हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बन चुका है, मैं आपको क्लोजअप। तो फ्रेंड्स देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स हम आपको बताता हूँ मेरे कितने में वीडियो लगाई, तो आपको कितना लग गया तो आप भी क्वांटिटी कर सकती है। जो व्हाइट सॉस है ये एकदम थिक हो जाए तब इसका मतलब आपका जो व्हाइट सॉस है अच्छे से बन चुका है और इसमें और दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे गैस को ऑफ कर देते हैं, इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स मैंने अपने व्हाइट सॉस पास्ता को एक प्लेट के अंदर डाल लिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसको गर्म गर्म सर्व करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।